मेरा नाम तनुजा खन्ना है, मेरी उम्र 59 है और मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। एक्चुअली मैं मेरा सन 2017 में ब्रेस्ट कैंसर का उदयपुर में ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद वो तीन तीन महीने का जो पीरियड था तो मैं सोनोग्राफी ये सब कराती थी। लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे पता लगा कि मेरे लिवर में भी कैंसर आ गया है। तो उससे मेरे को पता लगा उसके जो सिस्टम से वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, उल्टी वगैरह मेरे को होने लगी थी। फिर मुझे पता लगा कि मणिपाल हॉस्पिटल में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो फिर मैं यहाँ आई। हमारे पास एक 59 साल की एक महिला रोगी आई थी, उसके ब्रेस्ट का कैंसर था, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके पश्चात लगभग साल भर पहले उसके लिवर के अंदर एक 10x10 सेंटीमीटर की एक गांठ हुई। डॉक्टर दीपक शुक्ला जिससे मेरा इलाज चल रहा था, तो उन्होंने मेरा पैट वगैरह कराया, क्योंकि उदयपुर में ये फैसिलिटी नहीं थी ना कोटा में थी, तो उन्होंने पैट से मेरा सारा देखा, सीटी कराया। पैट स्कैन कराने पर और किसी भी जगह और इसका फैलाव व प्रसार नहीं मिला। हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट साथी डॉक्टर दीपक शुक्ला जी ने उनको इम्यूनोथेरेपी दी और वो लिवर की गांठ बिल्कुल कम होकर लगभग 1-2 सेंटीमीटर के आसपास रह गई। तो फिर बाद में डॉक्टर मंगल है, उन्होंने रेडिएशन दिया मेरे को, टारगेट थेरेपी। लिवर पर साधारणता रेडियोथेरेपी नहीं की जाती, ये बहुत नाजुक अंग शरीर का होता है, लेकिन हमने ये तय पाया कि हमारे यहाँ एक टेक्निक है SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लिवर की इस गांठ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या इसके साथ ये आती है कि शरीर के आंतरिक मूवमेंट्स भी होते हैं। जब व्यक्ति सांस लेता है तो लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे शरीर के आंतरिक भाग, जैसे लंग्स हैं, लिवर है, ये सब ऊपर नीचे मूव करते हैं। हमें केवल उस टारगेट पर रेडियोथेरेपी देनी थी, तो हमें उस मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करना था, अन्यथा मेरी जो किरणें हैं लीनियर एक्सीलेटर की वो टारगेट पे नहीं जाती। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं ABC, एक्टिव ब्रेथ कोऑर्डिनेटर और एक्टिव ब्रेथ कंट्रोल। उसके अंदर पहले प्रशिक्षण दिया जाता है रोगी को कि वो अपनी ब्रीथ को होल्ड करे। जब अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेती है तो अंदर के मूवमेंट्स बिल्कुल शरीर के रुक जाती हैं। वो करीब 15-16 सेकेंड अपने एक बार में ब्रीथ होल्ड आसानी से कर सकती थी। वो ट्रेनिंग देने के पश्चात जब वो ब्रेथ होल्ड करती थी तभी वो मशीन ऑन होती थी और उस टारगेट पे रेडिएशन जाने की पूरी पूरा वो संभावना थी। तो पहले हमने रोगी को ये ट्रेनिंग दी, उसके पश्चात हमने एक विशेष प्रकार की एक जाली बनाई जिससे उसके शरीर के बाह्य मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएं। उसके बाद हमने CT स्कैन किया और बहुत फाइन कट्स, 1-1 mm के कट्स लिए पूरे लिवर के आसपास के, और पास में भी किडनी है, पैनक्रियाज है, स्टोमक है, सारे अंगों को हमने चिन्हित किया और उस ट्यूमर को भी चिन्हित किया। उसके पश्चात जब ये हो गया तो ABC हमने लगा के देखा कि वो बिल्कुल ट्यूमर फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा ब्रेथ कंट्रोल के समय। जब हमने पाया कि वो ट्यूमर बिल्कुल ब्रेथ कंट्रोल में बिल्कुल उसी जगह स्थिर है, फिर हमारे जो मॉनिकोर ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है उसको केस को प्लान किया और अलग अलग तरीके से SBRT के अंदर किरणें कैसे वहाँ जाएँ कि बिल्कुल केवल वहाँ पर वो अपना प्रभाव दिखाएँ और आसपास के अन्य अंग और लिवर भी मेरा बिल्कुल सुरक्षित रहे। जब ये हमारा प्लानिंग हो गया तब हमने रोगी को मशीन पे लिया, वही जाली लगाई, ABC उसको समझाया। जब वो ब्रीथ होल्ड करती थी मेरी मशीन ऑन होती थी, किरणें बिल्कुल वहीं सटीक रूप से वहीं पर जाके अपना प्रभाव दिखाती थी। और इस प्रकार हमने करीब 4000 रेड, जो कि हमारी भाषा में आजकल हम ग्रे बोलते हैं, 40 ग्रे, हमने 5 दिन के अंदर टोटल डोज उसको दी। वो 5 सिटिंग भी वो मेरी हो गई थी 29 नवंबर में कंप्लीट, और मेरा बेटा भी US से आया था और इसी के लिए कि रेडिएशन दे रहा है 5 दिन तक, तो वो भी इतना सेटिस्फाइड होके गया आप लोगों की यहाँ की सर्विस देख के, डॉक्टर्स का व्यवहार, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, ये सब देख के, और आफ्टर ऑल अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरा रेडिएशन किया। 5 दिन बाद तो मेरे को यही ऑब्जर्वेशन में रखा था, हालांकि उन्होंने कहा था आप जा सकते हो, आ जाना सुबह, लेकिन मैं यहीं रही क्योंकि मैं डायबिटिक की पेशेंट थी। फिर डॉक्टर मंगल ने मेरे को 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया और उसके पश्चात हमने ये भी मॉनिटर किया क्योंकि बिल्कुल पैनक्रियाज के पास में, तो और कोई इनको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, पेशेंट को किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के दौरान भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। और आज उस विधि को किए हुए 2 महीने हो गए हैं,
हमने उसके बाद के अंदर उसकी सोनोग्राफी करके देखा है, सीटी स्कैन करके देखा है, और वो अब वो गांठ बिल्कुल भी उस जगह नहीं है। रोगी बिल्कुल स्वस्थ है। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि रोगी को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। ये इस प्रकार की विधि संभवतः राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने की है, जिसको कि SBRT विद एक्टिव ब्रेथ कोऑर्डिनेटर कंट्रोल टेक्निक कहते हैं।